शादी के बाद ही होता है मोस्टली। आधा जाता है तो दर्द होता है और पूरा जाता है तो मजा आता है। जिससे मसल के खड़ा करते और थूक लगा के घुसा देते। तेरे से बात कर रहा हूँ, चल। क्या है? अरे नहीं आना है किधर? क्यों? अरे तेरे लिए सरप्राइज है, बाद में बोलना मत। सरप्राइज है, देख जब मैं सरप्राइज है बोलता हूँ तो सरप्राइज होता है, तो बाद में देख मेरे को बोलना मत। क्या क्या चाहिए था मार्केट में? वो ड्रेस ना? तो पता नहीं है, पूछ रहे हो। तो ड्रेस के साथ क्या क्या मांगी तू? एक ड्रेस बोलती तो बात अलग है। तो मैचिंग नहीं चाहिए उसपे कुछ? और तो साड़ी की क्या जरूरत थी? सब एक साथ ही चाहिए रहता तेरे को। चल क्या प्रॉब्लम? अरे मैं बोला ना, मौका दे रहा हूँ, मैं तेरे को मौका दे रहा हूँ। तू रूट के बैठ जाती है घर पे आके। क्या मौका दे रहे हो? तो क्या घर पे आएगी मतलब क्या वहाँ से स्टॉक खत्म हो जाएगा क्या? कोई लेके जाएगा तुरंत? लेना है तो ले, नहीं तो छोड़। मैं तो सोच रहा था कि तू इतनी रूट के बैठी है तो तुझे कुछ मौका दूँ कि तू तेरी मेहनत से अर्न करके जाके खरीद सके, लेकिन नहीं करना, छोड़। अभी आपको ये चल ना तेरे लिए यहाँ पे पैसे पड़े थे, ले ले उठा और जा खरीद ले जो खरीदना है, खरीद ले। उल्लू बना रहे हो? अरे पड़े ना यहाँ पे, ले लेना। झूठ बोल रहा है। देखो टाइम पास करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम पास करके तुझे टाइम पास से ही पैसे मिलेंगे। टाइम पास में अगर तू जीत जाएगी तो तेरे को पैसे मिलेंगे। खेल तेरे को हर एक चीज तू ले सकेगी। इतना पैसों की कमी नहीं है मेरे में, लेकिन कैसे वो पता है ना, वो वैल्यू पता होनी चाहिए। पैसा ऐसे ही दूध दे दूंगा तो तू है ना उठ के कुछ भी लेके आएगी, लेकिन तू अगर जीत के लेके आएगी ना तो तुझे है ना उसकी असली वैल्यू पता चलेगी। तेरे को पता चले मेहनत का पैसा है मेरे। अच्छा, मेरा कोई हक नहीं रहेगा, इसलिए बाद में अगले तू लेके आएगी तो कमाने का मौका दे रहा हूँ ना मैं तेरे को बस मेरे सवालों के जवाब देने। एक सिंपल से तेरे को क्वेश्चन पूछूंगा, उसके जवाब देने, बाकी कुछ नहीं। भाई जवाब दो, पैसे लो। तेरे को पता ना कितने इजी क्वेश्चन रहते हैं मेरे। इसके पहले भी तेरे को दिए ना ढेर सारा पैसा, वैसा ही इस बार भी वैसा ही। कुछ अनाप शनाप नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, अनाप शनाप नहीं, एकदम पवित्र क्वेश्चन होंगे। शरीफों वाले क्वेश्चन होंगे। बस तुझे सोच अपनी शरीफ रखनी है, बाकी कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चन तो सब शरीफ वाले। सोच शरीफ ही है, आप ही नॉनवेज हो। A few moments later. So, दोस्तों मैं रेडी हूँ, पूजा रेडी है, लालची इंसान रेडी है खेलने के लिए। कमा के खेल रही हूँ। कमा के खेल रही है। हाँ तो मैंने तो खेल के कमाई। क्वेश्चन आंसर तो मैं ही दूंगी ना। सीन क्या पता है दोस्तों, इसको चाहिए होना चाहिए होता है ना ये। अगर नहीं लेके दू ना, कितनी भी कीमती चीज क्यों ना हो, लेकिन लेके देना ही पड़ता है। क्योंकि इतना रूट के, इतनी जिद्दी इंसान है कि इतना रूट के बैठ जाती है ना, भूल जाती कि शादीशुदा है, पति है, बच्चे, भूल जाती अपने में ही रहती है, गुमसुम रहती है। बड़ा याद रखते हो, बीवी है, कुछ मांगो तो इसलिए ना आखिर मजबूरन ऐसे सब खेल के ना इसको देना ही पड़ता है। तो देखो दोस्तों मैं अभी अभी जाके एटीएम से लेके आया हूँ एकदम कड़क नोट। देखो आके चमक जाएगी। देखो पैसा ही पैसा है। तो दो पूछो तो सवाल। सबर रख जरा, पक्का दोगे? सबर रख, दे दूंगा, तेरे लिए लाया हूँ। ये सारे नहीं, जितना तू जीत पाएगी उतना। ओके, हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए तेरे को लेकिन मेरी शॉपिंग जितने 1000 रुपया मिलेंगे। चलो दोस्तों, तो दोस्तों इसको है ना सुन ना जरा। अच्छा, इसको है ना हर एक क्वेश्चन के अपन है ना 1000 रुपया देंगे। हाँ, हजार बस ना बोलना कुछ। तो वैल्यू ऊपर नीचे है ना, तो केबीसी खेल रही है क्या? एक सवाल के बाद वैल्यू ऊपर नीचे। नहीं, मेरा शॉपिंग का बजट थोड़ा ज्यादा। मेरा खेल है, मेरा रूल्स है, समझी? खेलना है तो मैं जा रहा हूँ। खेलो चुपचाप, नहीं तो पता है लूट लूंगी, पता भी नहीं चलेगा। अरे देवा, तो आपको भी पता नहीं चलेगा पर्स से कब गायब हो गए। टोटल 20,000 है। देखते तो इतने इसमें से कितना जीत पाती। मैं ज्यादा पूरा नहीं दूंगा, 2-2 हजार रुपए देता हूँ। सिर्फ जितना सही जवाब देगी उतना दे। ओके चलो। सो दोस्तों पहला सवाल पूछते हैं। तो मुझे बता, एक मरा हुआ मोर मैंने चलते हुए देखा, कैसे? मरे हुए मोर को मैंने चलते हुए देखा, कैसे पॉसिबल है ये बता मेरे को। एक्चुअली ये पॉसिबल है। इधर क्या पागल है क्या? क्या हुआ? मैं लिख देता हूँ, उसमें कुछ बड़ी बात है। नहीं लिखा तो क्या है, लिखना जरूरी थोड़ी ना है रे। नहीं लिखा मतलब इसका मतलब आंसर सुनो। मरे हुए मोर को आपने चलते हुए देखा। मोर मरा हुआ था, आप चल रहे थे, ठीक है, तो आपने चलते हुए मरे हुए मोर को देखा। तो माता जी आ गया, रोके ना, सबर रखने दूंगा, रख के पूरा खींच लेगी तू इसमें से। तो तेरे बुद्धि में इसका जवाब कैसे आया रे? क्योंकि है ना, बस कभी कभार तो पति का दिमाग कहाँ तक चलता है मुझे पता है। चलो इसलिए मैं थोड़ा तूने ये सुना हुआ था, इसलिए तू सही जवाब दी, मेरे को पता है। कोई नहीं, ले तो 2000 जीत गए दोस्तों, तालिया। एक लड़की अपने सारे कपड़े कब उतारती है? खराब है, किससे सवाल कर रहे हो? कैमरा चालू है और क्या सवाल कर रहे हो? क्या एकदम अच्छा सवाल है, पवित्र सवाल है। कुछ नहीं यार, दो शादीशुदा है अपन, उसमें क्या है, पूछ सकते कुछ भी। बताती हूँ, कैमरे के सामने बताना है, मेरे कान में नहीं। सबको अपने ऑडियंस को सुनाई देना चाहिए ना। काहे के लिए वो येड़े, इसलिए कैमरा काहे लगा है कान में बोलने के लिए? उससे अच्छा बंद करो, मेरे कान में बोल दे। दिखना चाहिए ना पति कितना लुटा रहा है तेरे पे। दूसरा सवाल पूछ नहीं सकते थे? जल्दी पूछ, 10 सेकंड के अंदर जवाब दे। चल 1 2 3। मैं बोलती हूँ ना, इधर आओ। क्या यहाँ पे ऐसे जल्दी जल्दी फास्ट? कैसा सवाल, बेहुदा सवाल पूछते हो यार, कुछ अच्छा पूछो। चलो दोस्तों, इसका जवाब नहीं आया। इसको देख, बाद में सवाल मेरा जहाँ तक उतने में, बाद में सवाल खत्म हो जाएंगे ना, तो जितना उतने में खुश रहने का। बाद में देखो कम पड़े ना तो मैं से छीनने, मेरे को मार पीट के छीनने का नहीं। हाँ ठीक है, फिर ये क्वेश्चन निकाल दो साइड। मैंने हो गया, इसका नहीं मिलेगा कुछ। अगला सवाल है, इसका आंसर आपको तो पता है। हाँ आप बता सकते हो कैमरे के सामने? इसका नहीं बता सकते हो ना, तो मैं कैसे बताऊं? लड़की अपने सारे कपड़े तब उतारती है जब कपड़े सूख जाते हैं। क्या कपड़े सुखाने रखती है, जब सूख जाते हैं तब उतारती है, निकालती है, सीधी सी बात है। अगला समझ, लड़की जब झुकती है तब उसका क्या दिखता है? वही सब देखते हुआ देखता हूँ ना यार, हर कोई देखता है। हाँ बड़े बुजुर्ग भी देखते हैं, जब झुकती है ना तब उस झुकने से पता चल जाता है। हाँ अरे बेशरम आदमी, बीवी के सामने, कैमरा के सामने क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हो यार, इट्स नॉर्मल यार। ऐसे सब क्वेश्चन करने तो मैं नहीं खेलता। अरे आज की जनरेशन में नॉर्मल है पूजा, ये सब क्या नॉर्मल है? लड़की झुकती है तो सबको दिखता है। क्या दिखता है? देखने वाले सब लोग होते हैं, उल्टे बड़े बुजुर्ग को ज्यादा देखते, ज्यादा नोटिस करते। मैं भी नोटिस करता हूँ। हाँ, वो आप ही नोटिस, आप जैसे ही लोग वो सब नोटिस करते हैं। तो उस दिन है ना, क्या बोलूं मैं, ध्यान दे। क्या तेरी दोस्त भी झुकी थी ना, मैंने देखा था। अच्छा बता सकता, उसकी मम्मी के साथ थी नहीं क्या, वो झुकी थी तो उसका दिखा था, और आप देखते बैठे थे। तो अच्छा लगता है, शर्म नहीं आती आपको? अच्छा लगता है, शर्म काहे के लिए? अच्छा जवाब दे, क्या दिखता है? 10 सेकेंड, 1 2 3 4, जल्दी बोल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, बोल जल्दी, नहीं तो देख फटाफट बोले। अगला सवाल पूछता हूँ मैं। नहीं रुको, बोल कान बिनने ऐसे बोल डायरेक्ट। जाओ यार, आप जानबूझ के ऐसे सब सवाल पूछते हो ताकि मैं जीतना पाऊँ। 2000 में मैं क्या करूंगी, अभी बताओ। अरे तो आंसर दो, जीतना, और 2000 मिल जाए। मुझे पता है आप जानबूझ के ऐसे गंदे सवाल पूछते हो, जिसका आंसर मैं कैमरा के सामने नहीं बता सकती। अच्छा कैमरा के सामने नहीं बोल रही, आंसर पता है तो आप कान में बता। डर्टी माइंड क्या बोल। दोस्तों जो आपको लगा वो सही लगा, इसको जो लगा ना, आप जो सोचे ना वही इसने सोचा। बता नहीं सकता मैं क्या वो सोचती है। अरे जब लड़की झुकती है तब उसके संस्कार दिखते, पूजा, उसकी परवरिश दिखती है। दिखता है कि कैसी परवरिश हुई लड़की पे। तेरी दोस्त जब उस दिन मम्मी के साथ थी तो मम्मी के भी पैर पड़ी थी उसने, तब तो उसकी परवरिश दिखी। तो वही मैं बोल रहा हूँ, तू क्या सोच रही है पूजा यार? नहीं यार मेरे को पता है आप जानबूझ के ऐसा सब कर रहे हो, मेरे को नहीं खेलना। अच्छे सवाल पूछो ना, अभी 2000। चल 2000 रुपया। ऐसा क्या है, मोस्टली शादी के बाद ही होता है, आधा जाता है तो मजा, मतलब दर्द होता है, पूरा जाता है तो मजा आता है। तो बेच खाए वो क्या? और ये ना लड़कियों के साथ ही होता है। लड़कियों क्यों मार रही है? शादी के बाद ही होता है मोस्टली। आधा जाता है तो दर्द होता है और पूरा जाता है तो मजा आता है। यार ऐसे सब सवाल गंदे मत पूछो, बोल दिया ना आपको। क्या गंदा यार, तू एडल्ट है यार, उसमें क्या गंदा? एडल्ट है तो क्या, और कैमरे के सामने ऐसे सब सवाल पूछ रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? आपको पता है जानबूझ के कर रहे हो, मेरे को पता है। तेरे को भी तो मजा आता है, मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकती हूँ इसलिए ये सब कर रहे हो आप। पूरा जाता तो तुझे भी मजा आता है ना, तो उसमें बोलने में क्या जाता है? अरे मेरे बारे में कुछ अनाप सुना बोला ना इधर, मुँह फोड़ दूंगी। अच्छा सिर्फ बोलने का नहीं, करने का सिर्फ। सॉरी बोल। दोस्तों वो जवाब दे रही है, सुनो कान लगा के। बोलिए ना, बोलो ना। मुझे नहीं पता पैसे चाहिए कि नहीं, आप दे रही हो कि नहीं बताओ मेरे को। नहीं दे रहा मैं, ऐसे फोकट में बात करने बैठा हूँ मैं। तो बीवी है मतलब क्या, ऐसे दे दूँ? ऐसे हरकतें करके अगर दे रहे तो मैं। कितने पसीने की कमाई पता है तेरे को, बैठे बैठे मिल रहे सिर्फ सवाल का जवाब देके, तो उतना भी नहीं कर पा रही है तू। बता कान में, ऐसे बता। नहीं बोल सकती फिर, क्यों? नहीं चाहिए मेरे को ये सवाल के पैसे। एक सवाल पूछो आप तो इसका जवाब तो दे, पब्लिक जवाब चाहती है। गेस कर कुछ भी। हाँ, आधा जाता है तो दर्द होता है, पूरा जाता है तो मजा आता है। जल्दी बोल। मैंने बोला ना मेरे को नहीं बताना है तो नहीं बताना है। आप दूसरा सवाल पूछो, अगर ढंग से पूछ रहा है तो। ढंग से पूछ रहा है, ढंग का क्वेश्चन है ये, ढंग का क्वेश्चन नहीं था। ढंग का क्वेश्चन है, कुछ भी अनापशन आप बोलते हो, कुछ भी अनापशन। आपने बेच खाई है, मैंने नहीं। मैं नहीं बोल सकती हूँ ऐसे सब काम कैमरा के सामने। मेरे भाई बंधु माँ बेटी सब देख रहे वीडियो, क्या मैं फालतू के सवाल पूछूंगा? मुझे इसमें कोई शर्म लिहाज नहीं है क्या? कुछ भी पूछूंगा क्या मैं? आदमी की मेंटेलिटी पे डिपेंड है कि वो क्या सोचता है। बहुत अच्छी मेंटेलिटी, इसलिए सब सवाल। मैं बंगड़ी की बात कर रहा हूँ, बंगड़ी की। पगड़ी के जब आधा जाता है तो दर्द होता है ना, यहाँ तक आता है तो हुआ ना दर्द, पूरा जाता है तो रिलैक्स होती है ना, अच्छा लगता है ना। तो पगड़ी की बात कर रहा हूँ। बंगड़ी क्या है? बंगड़ी कंगन बोलते हैं इसको। कंगन भाई, बैंगल्स। हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक है ना, इसलिए क्या तो सीख क्या हो। चलो पैसे मेरे जेब में वापस जाने वाले लगता है। और पूछता हूँ, सुन। पैसा क्या है, ऐसा क्या है जिसे मसल के खड़ा कर दे और थूक लगा के घुसा देते? यार कितना मैंने बोला था मेरे को नहीं खेलना नहीं साथ। तो बोल रही हूँ आप है ना, मैं बोल रही हूँ आप है ना, थोड़ा ढंग के सवाल पूछो। मैं पैसे दे, पैसे क्या लेके जा रही है? पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे पूजा। चीटिंग मत कर यार। यार चीटिंग तो आप कर रहे हो, जीत के जवाब दे के तू जीतना है यार। सही बात है यार, ऐसे सवाल तो पूछोगे तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी। मैं क्या कोई भी नहीं जवाब दे पाएगा? पैसे दे। मैं क्या कोई भी नहीं जवाब दे पाएगा यार। अरे सादे सिंपल क्वेश्चन थे पूजा, पैसे दे। चीटिंग करती है, फोकट में चाहिए तेरे को। फोकट में थोड़ी वाइफ हूँ ना आपकी, मैंने शॉपिंग के लिए। तो वाइफ है तो मैं तो सवालों के जवाब दे के जीतना, तू क्या हुआ? वाइफ है तो क्या हुआ? तेरे लिए तो लाया हूँ, बेहुदा सवाल पूछ, तेरे लिए क्वेश्चन लाए, तेरे लिए खेल रहा है। ऐसे सब लोग क्वेश्चन सिर्फ मेरे लिए लेके आए हो क्या? क्या है आपको कैमरा के सामने ये सब बोलने के लिए शर्म नहीं आती है, लेकिन मुझे आती है। तेरी सोच गंदी। पैसे दे चल। मैं नहीं दे रही हूँ, जाओ। देखो दोस्तों कितना नाटक कर रही है ना, पैसा बाहर लेके भाग गई। मेरे को ना निकालना ही नहीं चाहिए था इतना पैसा, सोचा मेरी बीवी जवाब दे देगी। अभी मेरे को मेरी जरूरत से ज्यादा मिल गया। मेरे को अभी कुछ क्वेश्चन का सवाल का आंसर नहीं देना है। आप बता वो क्या यार जाते हो कि नहीं? रुको, अरे रुको बन क्यों यार। देखो दोस्तों चीटिंग करती है, पैसे लेके सब लॉकर में रख देगा। चीटिंग करती पूजा यार। भागो, वो पैसे देख टिकेंगे नहीं। चाबी कहाँ है लॉकर की? चाबी क्यों? मैं क्यों? बड़ी शानी है मेरे से, मुझे लूट के वो लॉकर पूरा भर दिया तूने। हाँ मेरे को कर दिया है, मेरा जेब खाली कर दे। मेरा अकाउंट नील करके यहाँ पे अकाउंट भर रही है तू। अबे आप खुद जाओ, आपका अकाउंट। प्यार मोहब्बत से खेल रहा था, मेरे को लगा नहीं था पूजा तो ऐसा करेगी। है बड़ी बिगड़ गई है तू, पूरा पैसा ले ली दोस्तों इसने। अभी देखो नाच रही है फोकट में, कमाल। थोड़ा तो रखती यार, शर्म आनी चाहिए। मेरे को बहुत मजा आया दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही करो, सब भगे नहीं हो। सब मेरी बहन दोस्तों, अगर गलती से भी आप सोच रहे कि ऐसे सब खेल खेलो अपने बीवियों के साथ, बिल्कुल मत खेलना। मोटिवेट हो जाओ, ऐसे सवाल पूछो जवाब तो, और पैसे निकलवाओ अपने हस्बैंड से और अपने कमर में रखो। सो ये थी आज की आपकी वीडियो की टिप्स। वीडियो मैं बना रहा हूँ जैसे वो बोल रही, जैसे खुद ही बनाई वीडियो, मेरे को उठ के तेरे लिए कर रहा था, देखो मेरे को भगा रही।